हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं ए कुमार हिंदी चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और दबाइए छोटी सी घंटी को, हमारा वीडियो सबसे पहले देखने। आज हम फिर से आप लोगों के लिए अच्छा और बढ़िया एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है ऑटो बैकग्राउंड चेंज। तो चलिए प्ले स्टोर में और दिखाते हैं हम आप लोगों को वो एप्लीकेशन। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऑटो बैकग्राउंड चेंज, देखिए इधर हाईलाइट में भी दिख रहा है लाल के, इधर बैकग्राउंड में दिखा दिया हूँ, यही लिखने का है आपको। और जो पाँचवें नंबर पे एप्लीकेशन आएगा टेलपोर्ट ऑटो बैकग्राउंड चेंज, ये एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। हमने तो देखो करके रखा है, हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे कैमरा इसका कहेगा, देखो मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा कैमरा ऑन हो गया है। तो इसमें फ़ोटो क्लिक करके ले सकते हैं, तो मैं एक सेल्फी लेके आपको दिखा देता हूँ। सेल्फी लेंगे तो सेल्फी लेने के बाद सर्च करता है और उसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देता है। पहले का एप्लीकेशन ज़्यादातर था कि पीछे का बैकग्राउंड इरेज करके मिटाना पड़ता था और बारीक से धीरे धीरे करके इरेजर करना पड़ता था ताकि फेस न कटे और कहीं कहीं पे छूट जाता था। इस वाले एप्लीकेशन में आपको छूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑटो में रहता है, आप अपने आप वो सर्च करेगा और पीछे का जितना भी आपका पीछे का जितना चीज़ दिख रहा है वो सब इरेज हो जाएगा। आपका फेस फेस केवल कट करके PNG बना के आपके मोबाइल में देगा, उसके अनुसार आप बैकग्राउंड इसमें भी 10, 12, 20, 25 बैकग्राउंड इसके एप्लीकेशन में भी हैं और उसके बाद कस्टम बैकग्राउंड भी है। देखिए जो नीचे है छोटा बड़ा कर सकते हैं आपको और अपने अनुसार से फेस को सेट कर दें। और इधर जो नीचे वाला है इसको घटका के इसमें 10-12 बैकग्राउंड से ऊपर ही होगा, काफ़ी करीब 20-25 बैकग्राउंड है, वो बारी बारी सेट करके लगा दें जो अच्छा लगे आपको। देखो मैं आगे चल के दिखा देता हूँ और कैसा है बैकग्राउंड, ये वाला देख लीजिए, जैसे आसमान का सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी कस्टम बैकग्राउंड पे करेंगे तो कस्टम बैकग्राउंड जैसे अपने अनुसार बनाए हुए हैं, फ़ोन की गैलरी में है या किसी ने फ़ोटो भेजा है उसके अनुसार है। देखिए फ़ोन का गैलरी मेरा खुल गया, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का बहुत सारे फ़ोटो हमारे मैसेज आए हैं, इसी पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ये वाला पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जैसे इसको करके इसको अपने अनुसार कट कर सकते हैं, जो सीन आपको चाहिए। जूम आउट भी कर सकते हैं, जैसे जूम आउट करके जितना बैकग्राउंड में चाहिए उसके अनुसार आप करके और ऊपर वाला सही वाला टिक मार पे करेंगे तो कट करके वो बैकग्राउंड में आ जाए और उसके अनुसार अपना फ़ोटो सेट कर दे। अब फोटो सेट करने के बाद जो इधर डाउनलोड जैसा दिख रहा है छोटा, इस पर आइकन करेंगे तो खुल जाएगा। इसमें यहाँ से फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड करने का, डाउनलोड जैसे करेंगे देखिए मेरा फ़ोटो सेव हो गया, ये हमारा फ़ोटो गैलरी में सेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फी ना लें, फ़ोटो ना खींचें और गैलरी से खोलें तो गैलरी ओपन कर देंगे, साइड में जो दिया है गैलरी ओपन करने के बाद मैं एक गैलरी का फ़ोटो लेके इरेज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरा गैलरी में एक फ़ोटो है, तब ये मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, जैसे लास्ट वाला फ़ोटो है इसको मैं इरेज करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अनुसार अपना कट कर दें, जितना फेस आपको चाहिए उतना जैसे सेट कर दीजिए। जैसे सेट कर दिया मैं और जैसे ओके वाला सही टिक मार के करेंगे तो फिर से पूरा सर्च करेगा। इसमें जैसे आपका गैलरी वाला फ़ोटो है उसी तरह से जैसे सेल्फी ले रहे हैं लिए थे उस तरह का पूरा सर्च करने के बाद इसमें केवल फेस फेस रहने देगा, बाकी का बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। जैसे इरेज करने में ये रहता है कि थोड़ा सा अपना फेस कट जाता है, कभी कभी हाथ है इधर उधर नहीं जाता है, फ़ोटो पे चला गया फिर बाद में उसको मिट्टे से मिटा के बराबर इरेज करना पड़ता है, जूम से काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें एक क्लिक में आपका पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा ऑटो में करके धीरे धीरे ऑटो में इरेज करेगा
और कुछ देर के बाद आ जाएगा आपका बैकग्राउंड में, और इसको अपने से जूम आउट कर सकते हैं, अपने अनुसार इसको कहीं पे भी ले जाकर सेट कर दें, जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसी तरह का है जैसे डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, उस पर करेंगे कस्टम बैकग्राउंड, आपको बताया इधर जो कस्टम बैकग्राउंड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप कस्टम बैकग्राउंड कर सकते हैं, और इसमें अपने अनुसार इसका बैकग्राउंड जो दिया हुआ है उसके अनुसार जैसे ये वाला में चूज करके आपको अपना थोड़ा सा फेस दिखाना चाहते हैं तो लास्ट में कर दें, कस्टम पे करके अपना वैसे ले सकते हैं। कस्टम वाला उसमें दिखा दिया था, हम इसी में वाला दिखा देते हैं, सेव करके आपको फिर जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। जैसे देखो ये फ़ोटो सेव हो गया। अब हम दिखा देते हैं जैसे इसको ले चल कर की गैलरी में जैसे कहाँ पे है। हाँ, इसका एक फ़ोटो जाएगा कहाँ, जैसे मेमोरी कार्ड में भी है, गैलरी में भी आपको ये दिखेगा। तो गैलरी से ही मैं दिखा देता हूँ, गैलरी ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे गैलरी ओपन कर देखिए, ये दो फ़ोटो मैं इरेज किया था अभी, ये पहला वाला है और ये हमारा दूसरा है। बस इसी तरह आप इरेज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारे आप वीडियो देखें, और ऐसे ही एप्लीकेशन हम आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।